जिन्हें जाना था वो चले गए। अब तुम कब तक यूं ही बैठे रहोगे? उन्हें जो परवाह होती तुम्हारी तू ना जाते हो, और तुम्हें जो परवाह होती तुम्हारी तो यूं ना बैठे रहते उनके इंतजार में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में, रविवार के दिन में, छुट्टी के दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संडे को तो आप इतना सो जाते हो ना, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप कितना सो रहे हो। मैं आराम से सोया एकदम लेट तक, और उसके बाद उठा, ब्रश व्रश किया और ऑफिस आ गया। ऑफिस आके मतलब समझो कि 12 बजे के आसपास मैं ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँचने के बाद में मैं हमारे एक बैठने का स्पेस है वहाँ पर सो गया, क्योंकि ना वहाँ के आया नहीं था, तो काफ़ी मज़ेदार रहा। उसके बाद अभी उठाऊँ वापस से, अब बनाऊँगा मस्त कॉफ़ी। रश्मि तो यहीं थी तो उसको भी कॉफ़ी पिलाते हैं, और फिर उसके बाद आज का दिन आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या प्लान्स, क्या सीन्स और क्या कर सकते हैं। रविवार का दिन है आज, तो बड़ा डल नहीं बोलूँगा, सबसे इंजॉयमेंट वैसे लेज़ी सा जाता है। डल तो तब होता है जब आपको मज़ा नहीं आ रहा, इसमें तो मज़ा आता है। मैं ऐसा कभी इंसान रहा नहीं हूँ जो इतना मतलब ऐसे आलस और इस टाइप की चीज़ें थे, बट ओवर द टाइम अभी ऐसा होने लग गया कि मैं भी थोड़ा आलसी हो गया। छोटू रहा है बचपन से आलसी, बट वो तो अभी उठा नहीं होगा, 1-1.5 बजे तक सो के उठता है वो संडे के दिन। तो बस कॉफ़ी बनाते हैं और आज का दिन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा पानी भर लिया जाए, पानी समाप्त हो चुका है। ये वाटर कूलर है यहाँ पे, चलो मेरे पानी भर के आते तक उबला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफिस में अकेला था, सब चले गए थे, मैं ये उबालने रखा और भूल गया। वापस आके देखा तो पूरा जल गया था सॉस पैन, पूरा ब्लैक हो गया था, स्मेल आ रही थी। तब मेरे को पता चला कि अरे मैं तो लगा के रखा, ऐसा अभी थैंकफुली नहीं हुआ। संडे का दिन जो है वो ऐसे ही बीतता है। मैं आराम से बैठे बैठे बीन बैग में कलम ने बीन्स भरे थे, वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया वीडियो में क्या कर रहे थे, बीन बैग में बीन्स डाल रहे थे, और यहाँ पे आराम से बैठे बैठे स्लैश लेटे लेटे, ये बीच का कोई पोजीशन होता है, तो इसमें मैं संदीश के इंटरव्यू देख रहा था। अभी उसने लेटेस्ट में हार्दिक पटेल का इंटरव्यू किया, तो वो देख रहा था। ऐसे अच्छे रहते हैं उसके इंटरव्यूज़। अभी बहुत जल्दी उसमें अपने छत्तीसगढ़ के CM का भी इंटरव्यू आने वाला है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू होगा। कैसा होगा क्या होगा पता नहीं, देखते हैं, तो मज़ा आएगा वो भी देखने में। तो ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, और बस भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, तो सोच रहे हैं कि मैन भी आ गया है, सोच रहे कुछ खाने जाएँ या मंगाएँ, जो भी होगा आपको बताते हैं। प्रॉपर चिल चल रहा है। फास्ट फूड रायपुर में खुल गया, मेरे को पता नहीं था। फास्ट फूड से रैप्स और राजमा मंगाए, और साथ में नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है। तो अभी मयंक तो सो रहा है, और रश्मि मैगडी से कुछ मंगाई तो वो लेने गई है, बस वो भी आ गया। खाते हैं क्या? चाय गिरा दिया? Yes. कहाँ गिरा दिया? कारा जी सो के उठ गए? कैसे सो गया भाई? संडे बना रहे हैं। चाय गोविंदम से लेके आया चाय कि सिर्फ कप है? चाय गोविंदम की चाय है। चाय पीते हैं और मजे करते हैं, संडे मनाते हैं। पूरा संडे जो है वो ऐसे ही बिता दिए हम घर में, यहाँ पड़े पड़े, घर मतलब ऑफिस में पड़े पड़े। और हमको ज्वाइन किया गुप्ता जी ने। गुप्ता जी अभी पूरे देश के टूर पे निकले हुए हैं, अलग अलग शहरों से घूम के हमारे लिए अलग अलग तरह की यादें लेके आ रहे हैं, और हमको बता रहे हैं कि कैसी थी उनकी याद। भाई वो सबसे ज्यादा अपडेटेड वही रखता है, वो 15 पेजेस है उसकी, इसलिए समझ में नहीं आता। देख दिस इज द कॉन ऑफ हैविंग मल्टीपल पेजेस। वो अगर एक फॉलो कर रहा था, उस एक में अपडेट नहीं कर रहा, तो सामने वाले को नहीं पता। उसके पास मल्टीपल अकाउंट्स है गुप्ता जी के, और गुप्ता जी बड़े एंटरटेनर हैं, आपको बहुत सारे लोग व्लॉग में काफी पसंद करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी। गुप्ता जी आए थे, काफी देर तक बैठ के हम लोग बातचीत किए, कुछ कुछ आदान प्रदान हुआ, क्या हुआ वो आपको बताएंगे भविष्य में, एक बार हो जाएगा उसके बाद। और बाकी तो चल रहा है मस्त मजे में। आप सुनाए कैसा है सब जीवन? बस चल रहा है। अभी ये 1-2 दिन के लिए रायपुर आया, फिर बाहर जाने वाला है, तो इस बीच में हम सोचे कि इसका जो भी जो फायदा उठाया जा सकता है गुप्ता जी का, वो कल 1 दिन का समय है, तो उसमें देख रहे हैं किसी तरीके से उठा ले पाए। भाई तो वो समय वही तो महत्वपूर्ण है ना, काम उसी से उतने ही दिन में होता है, कैसे करेगा। चलो चलते हैं। पता नहीं किस टाइप का जाम लगा हुआ है, क्या चल रहा है, कुछ तो है।
ये पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़े होके, 15 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट से खड़े होके रिएक्ट ऐसे किया कि एक घंटे से खड़ा है वेट करा रहे हैं इसको हम लोग। लेकिन अच्छी चीज ये हो गई कि इसके इंतजार के उसमें हमको मिल गया विशाल। विशाल हमारे बचपन का मित्र है, स्कूल का दोस्त है, और अभी कुछ दिन पहले ही फोन किया था ये कि भाई संडे को मिलते हैं। मतलब थोड़े दिन पहले ही हम लोग ये सोच रहे थे कि मिलते हैं, ऐसे कोई प्लान बनाते हैं। बिना प्लान के किया हुआ सब चीज़ ना ज़्यादा बेटर है। प्लान किए थे बट हो नहीं पाया था, और उसके अगले संडे मिल भी गए। थोड़े दिन पहले ही कॉल किया था ये, और प्रांजल भी यहीं पे, एक और दोस्त है हमारा, वो भी यहीं पे, तो हम लोग बातचीत करते हैं। मैं तो सिर्फ ये मेमोरी के लिए ले लिया इसको कि आगे ऐसे याद रहेगा, हमेशा ये ब्लॉग में रहेगा। चलो अब मैं सोनल के ब्लॉग में भी आया। हमारी सवारी निकल चुकी है एक नई जगह के लिए। अब वो जगह अभी तक डिसाइडेड नहीं है जहाँ मयंक जी लेके जाए। पंडरी जा रहे हैं। हाँ, मयंक एक नई जगह लेके आया है, टेकियो नाम की ये जगह है, और यहाँ पे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि सिर्फ टेकअवेज हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं अभी आराम से। और ये जूस वाटरमेलन प्लस रोज क्या, क्योंकि हम रेबेलियस रेबेलियस बाई नेचर। तो ये मंगाया है किमची रामेन, और उसके साथ में आया ये चॉपस्टिक, इसे खाने का प्रयास कर रहे हैं सर। मैं तो जानता हूँ देसी आदमी, मेरे से नहीं हो पाएगा, बाकी ये कोशिश कर रहे हैं, इसको करने देते हैं, नहीं हो पाएगा भाई, रहने दे, चम्मच उठा और खा ले। तेरे को आता है? मैं ट्राई किया, मेरे को आता है, एक ही बार किया। घंटा आता है पकड़ने से ही समझ गया भाई मैं। चलाना भाई इंस्टाग्राम की रील्स चलाना, कुछ तो आएगा, कैसे यूज करते हैं ये बताओ, फूड ब्लॉगर है, चॉपस्टिक से खाना नहीं आता इसको। बहुत हाँ भाई गलत है, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत। अपन गूगल करेंगे। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल रात को मैं आके बिल्कुल ब्लॉग नहीं कर पाया, बहुत सारी कलाकारी कर रहा था। मैं कार्बन फाइबर की शीट मंगाया था, जिससे मैं चार्जर पे काट के लगा रहा था, कुछ कवर्स पे, इस टाइप के जो ट्रांसपेरेंट कवर्स होते हैं उसमें ट्राई कर रहा था। मैं सोचा वो पार्ट शूट करूँ, बट फिर उसके बाद भूल गया मैं करना, इसलिए आप लोगों को कल वापस आने के बाद का कुछ दिखा नहीं पाया। और फन फैक्ट ये था कि कल रात को जो हम चॉपस्टिक से ट्राई कर रहे थे ना, वो सक्सेसफुल हो गए उसमें करने में। मैं फर्स्ट टाइम चॉपस्टिक से खाया, और वो दैट वाज अ सक्सेस, पहली बार में। तो सर ने तुरंत गूगल निकाला, उसमें देखा कि कैसे खाते हैं, तो वो थम के सपोर्ट से करके करते हैं, वो किए और प्रॉपर सक्सेस था। आज किया का 3rd एनिवर्सरी है इंडिया में, तो अभी मेरे को किया से कॉल आया था कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सेल्टॉस का, तो आप और कुछ हमारे और गेस्ट्स जो हैं वो इनवाइटेड हैं, तो आप प्लीज़ आइए, देखते हैं अगर टाइम रहा बन पाया तो 3 से 6 के बीच है चलेंगे, नहीं बन पाया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किए हैं सेल्टॉस। कोशिश तो करेंगे कि जाएं, बट आज मंडे है और मंडे को क्या है थोड़ा रश रहता है काम का, तो ऑफिस जाके समझ में आएगा क्या सीन है। चलते हैं ऑफिस, और फिर उसके बाद आज का दिन जो है वो आगे। आज ये मैंने मैच भी किया वॉच का, वॉच बैंड और टी शर्ट, अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी। जूते भी थे मेरे पास रेड, बट फिर वो थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, इसलिए किया नहीं। चलते हैं, लेट्स गो, और दिन आगे बढ़ाते हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था, मैं गया रश्मि के घर, वहाँ से उसकी कार लिए, और अभी हम लोग ऑफिस ही जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह पे कुछ काम था, रश्मि का ये काम निपटाने, और बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से ऑफिस के लिए। इसी महीने मैं कराया था अपने फ़ोन को जो है पोस्टपेड से प्रीपेड, और वापस अभी उसको पोस्टपेड कराने जा रहे हैं मैं और मयंक भी इस बार इंटरेस्टेड है, पहली बार, क्योंकि मैं तो कई से पहले कई बार पोस्टपेड चला चुका हूँ, ये पहली बार चलाएगा। और कारण ये है कि उसमें OTT एप्स मिल जाते हैं ना, तो मयंक इससे पहले मैं जब वो लेके रखा था तो मेरा चलाता था, मेरा बंद हो गया, तो अभी उसको दिक्कत हुई एक महीने बहुत, तो इसीलिए इधर ही चले, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं पोर्ट कराने के लिए। और मैं जहाँ जाने वाला हूँ फैमिली के साथ, वहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड ही चलता है, तो इसीलिए ज़रूरी है, लेट्स गो। तो नंबर पोर्ट हो गया है, और बहुत स्मूथ हुआ, 10 मिनट में हो गया, सिम भी चेंज नहीं करना पड़ा, लास्ट टाइम सिम चेंज करना पड़ा था। प्रॉब्लम ये हुई कि अमेज़ॉन नहीं मिला, शायद मयंक और मयंक के नंबर में मिल जाए, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अभी तो नहीं मिला है फिलहाल, और पैसे भी लग गए बहुत सारे। अभी फ़िलहाल धोना है गाड़ी, जिसके लिए मैं चेंज किया हूँ, तो पहले गाड़ी लेके जाते हैं, लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको डिटेल में बताता हूँ कि पोस्टपेड वाला क्या सीन है। ये नया आदमी, नया ब्लॉगर आ गया हमारे। तो पोस्टपेड की कहानी अगर मैं आप लोगों को सुनाऊं, तो पोस्टपेड की कहानी कुछ ऐसी है कि 399 से प्लान स्टार्ट होते हैं, जिसमें आप सिंगल यूज़ करते हो,
उससे जो बड़ा प्लान है उसमें आप दो लोग काट कर सकते हो, तीन लोग को। ऊपर चढ़े थक गया। प्लान ये था कि तीन लोगों का करेंगे, मेरा, छोटू का और मयंक का। बट छोटू क्योंकि दूसरे रीजन में है तो उसका पॉसिबल नहीं होगा, उसका नहीं किए। मेरा और मयंक का किए, जो कि 699 का प्लान है, 799 का प्लान है, 900 रुपये के आसपास पड़ेगा वो। और नहीं सॉरी, 599 का प्लान है जो 700 के आसपास पड़ेगा। और हम लोग को 100 GB डेटा मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, नेटफ्लिक्स प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो वो करवाए तो बोले कि आपका नंबर एक्टिवेट होने के बाद, मतलब मेरा नंबर एक्टिवेट होने के बाद एक दिन लगता है मयंक एक्टिवेट होने में, बट सेम डे हो गया, बहुत ईजी था प्रोसेस। सांस चढ़ गई ऊपर जैसे। तो यही बताना था आप लोगों को, गाड़ी भी धुल गई, सारी चीज़ें हो गई, बाहर निकलेंगे कहीं, कहीं निकलेंगे तो आप लोगों को बताता हूँ। तो नॉर्मली ये तो भैया लोग बोले कि फैमिली मेंबर वाला, हम लोग क्योंकि दो प्लान लिए ना, मयंक को भी ऐड किया फैमिली मेंबर में, बोले 24 घंटे बाद होगा लेकिन तुरंत ही हो गया, उसको सेलिब्रेट करने चाय पीने आ गए। तो ये पीछे से व्लॉग में नहीं आना चाह रहा है गोयल जी, पतला हो गया भाई, तारीफ कर रहा हूँ एक तो तेरी व्लॉग में मैं, है ये झूठी तारीफ नहीं भाई, सच्ची तारीफ कर रहा हूँ मैं। ये मेरे को कई दिनों बाद मिल रहा है, 2 महीने बाद मिल रहा है, 1.5 महीने 2 महीने बाद। और मैं इसको देखते ही पहला रिस्पॉन्स था मेरा कि अरे भाई तू इतना पतला कैसे हो गया, क्योंकि मैं अभी तक इसको रोज गाली देता जब भी मिलता था, मोटा हो गया था काफी, काफी सही वेट कम किया भाई एकदम, मतलब महीने भर की तपस्या है, बहुत सही एकदम, थोड़ा तपस्या का हमको भी ट्रांसफर करो, पेट कुछ काय खड़ा। तो मजा आ रहा है इसको पतला देख के, और इंस्पिरेशन मिला इससे अभी मेरे को, तो कुछ तो किया जाएगा अभी वजन कम करने के। तो वापस घर की तरफ निकले, लेकिन घर जाने से पहले हम लोग को एक और जगह जाना है, वहाँ पे जाने की तैयारी है बस, और पेट्रोल डला रहे हैं, पेट्रोल डलाने के बाद फिर निकलते हैं। हम आए हैं पोपट, और पोपट लेके आए हैं हमको कारा जी। पोपट में पोपटियाने आए हो क्या? यस। क्या होता है पोपटियाना? आप भी बताओ मैं। यस तो बोल दिया तू, तू यस बोला है, तू बता मैं क्यों बताऊँ। क्या खाने वाले हैं? तू तो एक महीने से बाहर का नहीं खाया है। क्लियर सूप, इसके वजन कम करने के पीछे का राज है कि ये सिर्फ घर में खाना खा रहा है बस। ये लेमन कोरिएंडर सूप, ये नई आइटम आई है, कुल्हड़। अच्छा लगेगा। कुल्हड़ क्या है ये? पिज्जा। और ये ऐसे मेहनत करवाता है ये मयंक। और सारी चीजें हो जाने के बाद वापस आ गया मैं घर। घर आके कर लिया बहुत अच्छे से वर्कआउट, प्रॉपर आधा घंटे के आसपास वर्कआउट किया मैं, मस्त शानदार, मजा आ गया एकदम। पसीना अभी भी आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, तो जब मुँह धो के आ गया हूँ, सारी चीज़ें कर ली हूँ, उसके बाद का पसीना है। तो वर्कआउट जो है वो मैं अभी उसको मोर ज़्यादा, मोर ऑफ अ सस्टेनेबल थिंग बनाना चाह रहा हूँ। मतलब जिम जाना एक अलग से एफर्ट करना पड़ता है ना, स्पेशली जब आप कहीं जाते हो वहाँ से वापस आते हो तो जिम जाने का मन नहीं करता है, फिर सुबह उठने का वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम। तो मेरे को ऐसा लगने लगा है, काफ़ी टाइम से लगता है, कि फिटनेस शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। मतलब ठीक है जिम जाना भी वो हो सकता है एक, बट वो आप जहाँ भी हो वहाँ नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत मैं बहुत रेगुलरली फेस करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी चीज़ बिल्ड की जाए, ऐसी आदत बिल्ड की जाए जो मैं कहीं भी रहूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस आई कैन डू इट। तो एक तो पुशअप्स, स्किपिंग, स्क्वाट्स, सब जो बेसिक एक्सरसाइज हैं मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, रनिंग। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि साइकिलिंग इस रूटीन में जोड़ूँ, क्योंकि मैं पहले साइकिलिंग करता था, और एक मेजर रीज़न ये भी था उसके पीछे का साइकिलिंग ऐड करने का, कि जिम जब आप जाते हो ना तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपका एक जो एक घंटा सवा घंटा जो कि आप साइकिलिंग करते हो वो पूरा आपका होता है, आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, ज़िंदगी देखते हो आसपास, तो चीज़ें सीख पाते हो आप बहुत सारी। बट मेरी जो साइकिल है वो चोरी हो गई थी घर से, घर के बाहर ही साइकिल खड़ी थी, लॉक नहीं किया था मैंने, और कोई ले गया था साइकिल, तो वो साइकिल मिली नहीं, और वो बहुत अच्छी साइकिल थी। उसके बाद से मन तो है मेरा साइकिल लेने का, बट साइकिल के लिए फिर अलग से बजट बनाना पड़ता है, तो वो बजट भी बना नहीं है, तो वो बजट बनाएंगे फिर साइकिल लेंगे और वापस साइकिलिंग शुरू करेंगे। तो बस आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर।